感じるかわかんこいっていうね、やってるかいっていう。नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। गरीबों की स्थिति अगर जाननी हो तो बरसात का समय सबसे माकूल होता है और सरकार की सारी योजनाओं का कच्चा चिट्ठा इसी समय खुलता है, क्योंकि बाकी समय गरीब कहीं सो लेता है, कहीं रह लेता है, लेकिन बरसात के दिनों में कैसे नरक में ज़िंदगी गुजरती है इसका अनुमान आपको लगेगा। इस वक्त हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िला के एक गांव में हैं और मुसहर टोली है। दलितों में सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर स्थिति, दलित वैसे भी कमज़ोर और उनमें सबसे कमज़ोर और बुरी हालत में है। आइए हम उनके घर लिए चलते हैं, आपको स्थितियां दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह जी रहे हैं। बगल का इलाका मंत्री का है, सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री हैं, ताकतवर मंत्री हैं, और उनका ये क्षेत्र है। ज़रा देखिए क्या स्थितियाँ हैं, एक तरफ चलते हैं। का भइल तार घर नहीं खे? मैं चली देखी। चली आओ जा। चल आदिन के छोड़ी लहलो बा काहे खाते, यही अपन देखे खाते गरीब के उरबा के ना बेटा हो ना भतार हो। देखो बेटी की लगना लेके हम सती भइल बानी एक घर में इथियो के का करी हम। एगो बेटी लेकर सती बाल मानी बेटा भातार कोई नहीं हो। आज चार जना बेटो मर गए, भातारो मर गए, दूगो बेटी लेकर हम शरण भइल मानी। अब तो हम ना मिलल ना मुतमाती मिल ना विधवा मिलल, हमके कुछ ना मिल। विधवा पेंशन भी नहीं? कुछ नहीं। गरीब वाला पेंशन भी नहीं? नहीं कुछ ना। ए बाप एगो खाली राशन पर पावे नहीं अनु तो पैसा रही तो पाई भी नहीं, पैसा रही तो ना पाए। ये तो हाल बा हमार का कहे कि नहीं के भीख माँ के खानी और दुगो बेटिन के खियाबी का कहे। हमार दातान सुनल जाए तो हनु आज बेटा भर चार जाना रहते हैं मालिक रहते तो हई हाल हमार हो ते हाँ जरूर कत से 10 रुपया कमा के लिया कर दे लो हाँ बैठल खाते हैं। ये हई कुल का रख ले बड़ू अबू हई का है कुल तहार घर है, यही सामान उमान रख ले बड़ू। अच्छा आओ तरी घर में चल जा। आओ आओ घुसत हूँ। आइल जा धुकल जा। देखे बेटी लगे गो ना मार काट के लगे लोग लगा लगा दाई तुम मन लगा लगा ये कही है वो राजा से जे इलो जाता भागे लगा को नवास से जन्मा देनी ता तो के लेके साटम नहीं हाँ हम गलती को आता नहीं तो ये तो आली बाई बाबू हम बेटी बाड़ी तक काम करी आज बेटा चल जाना रहते भतार रहते के मजदूरी को काम कहते ले आते लोग कहते इनके का भइल बा इनके इनके कमजोरी बा आँख से नहीं खेलौकत। अच्छा हाँ दम मारा तारे। अच्छा दमा भी बा हाँ। तो ये बताओ कि घर बा ये घर बा ता हाँ ये घर बा हाँ हाँ रहे के हाँ रहे काम धाम का बा काम धाम कुछ नहीं खे तो हम लोग बुजुर्ग दोनों जाने बाड़ा हाँ
एक जना लड़का बड़े तो अपना परिवार में बाड़े अपन देख तारे सुन तारे हमन के केहू तन मिलत नहीं खे ना ना सरकारी तो घरवा के बगलिया में अस्पताल बा इतना बड़े ले बा तो लौकत नहीं खन हम तो अंगन घर धूस दे गिर जाता रे तो कोनी का जाई है के ले जाई ओ हां और राशन कार्ड बनल बा अनाज मिलेला मिलेला तो 5 किलो न मिलता 10 किलो तो उसे काम चलत नहीं तो वैसे को दिन जाए क्या नाम है आपका ठाकुर कौन गांव है ये कोयलसवा बुजुर्ग 22 टोला 22 टोला जिला कुशीनगर हाँ ये बताओ कैसी जिंदगी चल रही है अब चलता होगा देखा तैनु जगह चलता होगा देखा तैनु बारिश में तो ये गाँव डूबियो जला डूब जला पूरा 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 हतना पानी लागेला हतना पानी इने आओ ना इधर यहाँ जा हतना पानी लागेला कितना हतना यहाँ पांव से ऊपर तक पानी गाँव में भर जाए गाँव में कौनो सरकार भइल बा जी हमनी के व्यवस्था कर देवेला आप ही बताइए कोई सरकार नहीं हुआ है कोई सरकार नहीं हुआ है जी इस गांव के 22 टोला बुजुर्ग कोयलसवा के पटरवा थाना के डिस्ट्रिक्ट है जिला कुशीनगर हाँ जिला कुशीनगर तब इनमें हमने के कौनो व्यवस्था नहीं की जे आवता झेट के 5000-2000 बुर्बक आदमी के लेकर चल जाता पैसा कौन सी के ले ला लोग का जाने अब बात रउे न समझे हाई आयल बाबा से इनमें 10000-20000 ले रही आवासों में घुस लेता ना हाँ अच्छा हाँ हाई 35000 का आवास आयल रउे बनवा दे 35000 में 35000 में कहाँ घर बन पाई बन जाई नहीं बन रउे बनवा के दिखाई हमरा के पैसवा ले ली आ रउे बनवा दे यही कि कुल कितना पैसा मिलत आवास खातिर 35000 हमरा मिलल ये बेरा 1 लाख 25000 या 30000 पहले आवास के मिल मतलब ए समय आवास बना के 1,20,000 मिला था वो 20000 में 1,20,000 में 20000 घुस बा हां 20000 घुस घुस अकेले ला घुस जे अगला होई उहे लेके जाता उहे लेके जाता बात तौन लेता की प्रधान घुस लेता हां चलिए इन लोगों से भी पूछते हैं आप लोगों का क्या कहना है घुस लेता ना कौन हां घुस लेते बालो तहार बनावले तो पैसा ले ले हां येहू में पैसा लहले बालो खेत बेच के आदमी हमई खेत बेच के करकट धरोले बानी तावतालो साफ सुथरा कहतालो जिनके करकट धराइल बाबा से ना मिली तो बताई जब करकट का पलानी के को घरी के विश्वास ई बताओ कि करकटवा लगौल का की वजह से आवास नहीं के नहीं खे मिलत खेत बाने हम 14-13 हजार में धके त हम दू कठा खेत तो करकट धरवावले बानी कहत रह तारा आवास से ना मिली का है अब बनवावला के बना लौक त लिंटर जकरबो करा बनबे ना करी अच्छा हां ई लिंटर कहां बा कोन और घर बता हां हम नहीं खाउ लौक त हुए करकट धरवावले बानी अच्छा करकटवा जन पिछवा लो हां दिखाओ ट्रेन रखला की वजह से तू धनी हो गई हाँ धनिक हो गई बानी तब वैसे नहीं खे मिलत हाँ कहता रहो जरा ईटा पैटा धरा गलो का वास न मिली नियम है हाँ नियम कौन साहब बोले ले अब सेक्रेटरी कह प्रधान जी आयल वहाँ का नुहक पद बाकू करवा नाम है तहा माया कार कोयला सब बुजुर्ग बाहरी टोला खुशीनगर जिला बाला का कहता लोग घरवा खातिर तो कहता लो तू बनवा ले खेत दू कठा रहल तो बांधे धके बनवावले बानी ए बार मजूरी क खाता नहीं रह के लिए बार देखी जे केवाई लेके तो व्यवस्था नहीं तो चचरा लगवावले बानी सरकार के नियमों की अपनी दिक्कतें हैं इन्होंने बताया कि ये कट्रेन डालने की वजह से इनको इंदिरा आवास या किसी भी तरह की आवास की सुविधा नहीं मिली आप जरा समझिए कि इस घर के बनाने के बाद ये अमीर हो गई हैं बता रही हैं 2 कट्ठा खेत था वैसे भी मुसहरों को बहुत मामूली खेत होता है ना के बराबर उसमें भी 2 कट्ठा बेच दिया है ऐसी हजारों कहानियां हैं इस गांव में मुसहर हैं समाज के सबसे गरीब तबका है ये सबसे गरीब अभी हम जिस बुजुर्ग से बात कर रहे थे आंखों में आंसू आ जा रहा था त्रासदी देखकर ये बच्चे पढ़ने नहीं जाते इन बच्चों को देखिए जरा ढंग से वजन नहीं है इनका शरीर में सब कुपोषित हैं एक तरफ से पता नहीं सरकार की योजनाएं कहाँ चली जाती कहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है मुख्यमंत्री आवास योजना है उससे पहले से एक इंदिरा आवास योजना है लेकिन इस योजनाओं को इनकी पीढ़ियों ने नहीं देखा है ये है इनका बच्चा है यह भी इसी में पल रहा है सरकार की निगाह में ये लोग अपात्र हैं
इनके पात्र नहीं है, अब तक नहीं मिला है। जरा सोचिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर त्रासदी देखनी है गरीबों की, गरीबों की हालत समझनी है, तो सबसे बेहतर मौसम है इस बात को समझने का बरसात। बरसात के दिनों में किस तरह जिंदगी जहन्नुम हो जाती है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। जरा सोचिए कि ये चूल्हा है, अगर बारिश होने लगे तो यहाँ खाना पकाना कितना मुश्किल होगा। ये माँ है, इनके दो बच्चे अभी दिख रहे हैं। जरा सोचिए कि यहाँ रहना, खाना बनाना खाना, जब आप महानगरों और अट्टालिकाओं में रहते हैं तो इसका अंदाज़ा नहीं हो पाता है, और जब आप बहसें करते हैं बैठकर टीवी पर तब भी आपको पता नहीं चल पाता है कि देश की योजनाएं जो आंकड़ों में आती हैं उनका हकीकत क्या है। लेकिन यहाँ हकीकत बहुत साफ दिखाई दे रहा है, और उस हकीकत का अंदाज़ा इस चेहरे पर आपको साफ नज़र आएगा। ये गाँव है और गाँव के चेहरे हैं, और इसी के नाम पर वोट मांगा जाता है। हर बार तरह तरह के नेता नगरी आते हैं और वोट मांग के चले जाते हैं। सबकी एक जैसी हालत है, हर आदमी यहाँ अपना घर दिखाना चाहता है, उसको लगता है मैं घर बनवा सकता हूँ, लेकिन उसका विधायक, उसका सांसद, उसका मंत्री यहाँ देखता नहीं। कई लोगों ने बताया कभी उन्होंने अपना विधायक नहीं देखा है। जरा इन गलियों को देखिए, ये रास्ते हैं बरसात के, हर तरफ की योजनाएं हैं, फला सड़क योजना, ढमका सड़क योजना, ये सारी योजनाएं यहाँ आकर खत्म हो जाती हैं, मरणासन्न हो जाती हैं। सवाल ये है कि जो लोग वोट देकर हमारी सरकारों को चमचमाती हुई गाड़ियों में पहुंचाते हैं, लैंड क्रूजर से लेकर तरह तरह की करोड़ों की गाड़ियां और अरबों के महल में बैठे होते हैं, क्या यही वो अंगूठे नहीं हैं जो दबते हैं, जिनके बाद वो बड़े महान नेता बनते हैं और मोदी से लेकर योगी तक पूरे देश और दुनिया में अपने चमचमाते भारत का गुणगान करते हैं। हकीकत क्या है सामने है, जरा इस भविष्य को देखिए और आपको अंदाजा होगा कि वो उसका क्या होने वाला है। ई चेचा तहार लैट्रिन है? हाँ, हमारे लैट्रिन है। अच्छा, तो ई बतावा तहार नाम भोला है? हाँ, गरज भोला। अच्छा, गरज के लड़का हो, गरज है हुआ भोला, पिताजी तहार भोला। हाँ, भोला हुआ। कोई लसवा बुजुर्ग? हाँ। तो एमे का रखले हुआ? हाँ, तो पाइप लागे तब न हमने के लैट्रिन में जाई, लैट्रिन के जाई जाई, तो ई खाली बना के छोड़ देले, छोड़ देहल बा, एमे भूसा रखले बा, तो नहीं थे रहे तो में कहानी के तो भाई ठीक है। तो ई बताओ, भूसा लिए रखले हो काहे कि तरले घर नहीं होई, कहां रखबो? हां, ये बात है, यही बात है साहब। का नाम हो तहार? हमर कुंती नाम है। अच्छा, कठ लइका बच्चा? हमरा दू जानी धी बा बालो, और आजले इंदिरा आवास नहीं मिलल बा? नहीं, नहीं मिलल। का कहले प्रधान? प्रधान जी तक केसो रहनी तो कहते रहनी जे एगो दे दी, एगो दे दीजिए, अलम हो जाए तो नहीं देहनी, कहीं हमारा कोट दहला बड़ा लो। अब है प्रधान भल बनी, वोट ना देलू तो ना देने आवास? हाँ, का प्रधान भल बनी तो कहे नहीं हमने के देव हम आवास तहरा लोग। हाँ, ये कागज पत्र ही नहीं घर रहा है तो वहाँ के ले गल बनी, अब तो मुसहर लोग के देव आवास, कुछ ले गल बनी कुछ बाकी बात कहते रहनी, खाता खोलवाइ लो तो हम दे देव। तो एक बार खैले भी ना, झोखाता नहीं जा तो पैसा हो तब न खोलवाब जा, जो पैसा हो तब न। अब बारिशे एक महीना दिन से बारिशे बा, आज जो पैसा हो कहीं कार धंधा लागी तो खाता खोलवाब जा तो देव जा, तो प्रधान जी बनवाब कहता नहीं। ई बतावा, दूध उध खरीदा ला घर में? कहाँ दूध मिली महाराज, तो साग सब्जी ढंग से मिलते नहीं खे, कार लगते नहीं खे, तो कहाँ से आलो ओलो कहीं मिलते नहीं खे, तर तरकारी छोटे छोटे लड़का वाला कुल दूध ना पियाओ? नहीं, अंजे खा ला लो, दाली उल किन का आवेला तो अंजे खा ला लो, सात आठ जना बालो, नौ गो बाल सही नाती, चार गो लड़का, छः गो नातिनी, तो ही सब दूध उध ना पिए ला लो? नहीं साहब, नहीं कहाँ मिली है सर, दूध दही किनल जाए तब न मिली, अपना मल चौवा जगह है ना के तरह खा देखे। अबे बाढ़ आई तो सब है हो पानी ठेल जाला, हुन हो पानी चारू ओर ठेल जाला, कार कहीं लगबे ना करी, कहाँ कहीं सब घर वा दही जाए दूध जाए खाल वाला पानी आ जाला। हाँ, पानी जब पानी आ जाए नू तब हमने के एकदम रोका जाब जा, चारू ओर से रोका जाब जा, केना जाब जा, जे कार लागी जे करब जा, तो भूख के बहुत दिक्कत होती खाएगा पियेला। हाँ, दिक्कत होला, कोटदार दे ना राशन थोड़ बहुत तो खाब जा। हाँ, मर मैदान का और गजन होला का करी जाए, अब आदमी पहले नाई है जा, आ जाए तो नाई से हो बगीचा में जाकर रहनी है जा, आठ सात आठ दिन तो पानी घस के लगल तो धीरे धीरे रहनी जा, तो कोई गो कीड़ा घर में घुस गए रहा से। हाँ, कट लेके हमें तरे हमार पाँच गो, कौ गो पढ़े लायक बने? एगो बी ए पाँच साल के। हाँ हाँ, एगो है देवी है। और तीन थे? दू, एगो सुतल बा, एगो ना सुतल बैठल से का करे, उमरिया कितना बा?
8 साल का बात है। तो पढ़े जाना कूल है? लाल बा कूल तो है ये नहीं खाई स्कूल। तो ये बताओ खानवा जो दोपहरियों मिलत रहा ला, वो मिलत आ भाई नो? कब से बंद बा? 2-3 महीना से बंद बा। 2-3 महीना से बंद बा? तब लड़का खाना होना कैसे खाते हैं? कहाँ से वो किन किन खियावता नहीं जी आवता नहीं है। तो भर पेट खा खाना मिल जाता? अब का करे ना मिली तो कहीं से खियाई के ना। क्षेत्र के विकास को अगर समझना हो तो आपको दुकानें भी समझाती हैं कि उस इलाके के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है। जैसे अगर आप दिल्ली और बम्बई में होते हैं तो आपको ये पैकेट इतने छोटे नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि लोगों की जेबों में पैसे हैं। अब यहाँ ये 2 रुपये का पैकेट है, अधिकतम पैकेट 5 रुपये का है, 10 रुपये तक का पैकेट नहीं है। यानी कोई व्यक्ति 10 रुपये का पैकेट नहीं खरीद पाता होगा, इसलिए दुकानदार नहीं रखता है। क्या ऐसा ही होता है? या सर, यहाँ पर 10 रुपये पैकेट नहीं खरीदते हैं। कोई नहीं खरीदता? कोई नहीं। शैम्पू कितना वाला रख ले रहे सर? 1 रुपया। 1 रुपया वाला, उससे बड़ा नहीं क्यों खरीद? नहीं सर, नहीं खरीद पाते तो बड़ रखने से क्या फायदा? कौन पढ़े ला तुम सर? 8 में। 8 में तो मिड डे मील योजना चल रहा है कि बंद है? सर बंद है। तो यस सर का है कहा तो थोड़ा आगे आओ। तो कब से बंद है मिड डे मील योजना सर? 2-3 महीना से। 2-3 महीना से बंद। कमलावती, कमलावती कितना पेंशन मिलेगा? विधवा वाला नहीं। अब वृद्धा वाला वो नहीं, कुछ नहीं मिला। घर में लोग लड़का कैठे हो? हमारे 2 लड़का। 2 लड़का। हाँ। खाना वाना कैसे चलाता? अपना हाथ है बनाए ने खाए ले बनावे लू खा लू। तो पैसा वैसा कहाँ से आवेला? मेहनत मजदूरी करे तो? हाँ कोनो कार करे नहीं था। अच्छा। का नाम है फिर से बताओ? किशोरी नाम है। किशोरी नाम है। ती बताओ तेरे लड़का के पेट इतना फूल गई बात कुपोषण है तो डॉक्टर के दिखौली है ना? केहू पूछे तो नहीं खेत का करी केहू है? का खाना उना ना मिले ला ढंग के? ढंग से मिले ला मिले ला हंचूर मिले तने मान लीजिए कमाई ले तो खा ले या नहीं तो। का नाम है तुमको? तुम्हारा का नाम है? बोल नीतीश नाम है। नीतीश। अच्छा तो खाना मिलेगा स्कूलिया में? हाँ। कब से नहीं क्या मिला? इनके ये बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 3 बच्चे आप देख सकते हैं कुपोषित हैं। तीनों के तीनों बच्चे ये खुद भी कुपोषित हैं, इनका वजन कम है और यह पूरे गांव की हालत है। कुछ लोगों को अगर आप छोड़ दें तो सब अंडरवेट हैं, यानी कम वजन है, कुपोषित हैं, शरीर ठीक नहीं है, खाज खुजली का रोग अलग है। और इस बच्ची को आप देख सकते हैं नज़दीक से, हालांकि हम चेहरा नहीं दिखा सकते इसका, और लेकिन इसका पेट देखिए, इसके सब पूरे बॉडी से सबसे बड़ा है। इतनी छोटी बच्ची का इतने बड़े पेट का कोई मतलब नहीं है, कुपोषण है। हमारी सरकार दावा करती है कि देश से कुपोषण ख़त्म कर दिया गया है। इन सरकारों को मुसहरों की इस बस्ती में जिला कुशीनगर आना चाहिए, ज़रा देखना चाहिए कि स्थितियाँ क्या हैं। हमारे साथ इस इलाके के ग्रामीण हैं, लोग हैं, ये जनार्दन शाही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं। जनार्दन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि असल में मुसहरों की ऐसी बुरी हालत क्यों है? तमाम योजनाएं आती हैं, सरकारी दावे आते हैं, इनको अलग से रखा भी जाता है, बावजूद इसके आप देख रहे हैं कोई बच्चा पोषित तक नहीं। इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार से जो भी सुविधाएं आती हैं उसका पूरा पूरा ज़मीन पे उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, आज भी यहाँ से आधे से अधिक महिलाएं को नहीं मिलता है। मेरा ये कहना है कि सरकारी स्तर पर आवास में और पेंशन में अगर पारदर्शिता बरती जाए तो कुछ स्तर उठाया जा सकता है। अब इसी तरह से हॉस्पिटल की भी है। इस गांव में सुबह सुबह 10-15 झोला छाप डॉक्टर आ जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल बिल्कुल डॉक्टर आते ही नहीं हैं। ये बच्चे जाते हैं तो उनको छोटी मोटी विटामिन्स की कुछ गोलियां दे दी जाती हैं और उसके बाद ये लोग हतोत्साहित होकर के फिर झोला छाप डॉक्टर में चले जाते हैं। तो ये सरकारी तंत्र की विफलता के कारण इनकी गरीबी से ये मुक्त नहीं हो पा रहा है टोला। आज भी ये लोग इसमें से 80% लोग भूमिहीन हैं और जिनके पास इस बरसात के मौसम में काम नहीं मिल पाता है। और जो बड़े बड़े इधर के किसान थे, जैसे हम लोग थे, खेती छोड़ दिए क्योंकि खेती अब लाभकर स्थिति में नहीं है। हम लोगों के यहाँ ये लोग जा कर के कुछ काम कर लेते थे, लेकिन अब तो इनकी स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। तो पैसा नहीं खे मिला जाए दवाई करावला, अरे 10 रुपया 20 रुपया कमा लेता, तब तबीयत खराब होल तो दिया डॉक्टर के
दवाई दे तो दो खुराक अब मैं का कर ले अब बढ़िया पैसा रहे तब तो कहीं दवाई करा ले इतना बड़ा हॉस्पिटल करे गुआ के बाहर अरे दादा हॉस्पिटल तो वो बाटे जे के पूछबे न करेला हाँ खोजते रह जाए डॉक्टर लोग का कर ले दस गो रुपया मिले ला कमा ले तो बुखार लागल लैका के तो देखने नहीं हो गया लैकनिया के आखिर दवाई करा ले तब ना हो पैसा रहे तब नु तो खाना की कमी से भइल बा खाना के कमी से तो का कर ले कमा ले तो उसमें दवाइयों करावे के बा उसमें खोहू के बा तो कहाँ से आई गैस नहीं के मिलल गैस नहीं बा आई लैकवा के खाना मिले ला स्कूल में तो दो तीन महीना से नहीं के मिलल क्या नाम है आपका दीपक क्या आपके मकान के साथ क्या हुआ है क्या हुआ है वो प्रधान घर नहीं बनवाया पैसा उठा के ले लिया अच्छा क्या पैसा निकाला कोई बेर धाव नहीं आप पैसा अथी हो या पैसा उठाने जा ले लेने या कह तो रही जे तुम्हारे बाप के कमी नहीं नहीं है जे तुम ले गया हम कहनी जे बताई सरकार हमके दहला बा तो हमरे के न खोजी तो मतलब वो प्रधान कहता है कि तुम्हारे बाप का नहीं है तो उसके बाप का है हाँ वही जो पैसा छीन लेनी हमारा हाथ में से हम ना देते रहनी मतलब तहरी हाथे में से पैसा छीन ले अलग प्रधान का नाम हो कर केसु प्रधानवा का नाम है केसु नाम है केसु प्रधान हार गई जीतल फिर हार गई तो ये बताओ कि अभी आपका घर कितना बनल है अब इन कहाँ उतना बनल बा हो तो नहीं अधूरे घर बाटे अच्छा अब पैसा लेके गायब हो कितना पैसा निकल ले तीन बीट पैसा उठो तीन बीट हाँ कितना भइल एक बेर 40,000 हाँ एक बेर 49,000 एक बेर 25,000 अच्छा जो 1,20,000 आवेला वो हाँ ओ में से घूस होकर कितना भइल 10,000 ओकरी बाबू जी के हो गए हाँ मतलब घूस हो गए हाँ ओकरी बाद बचल 1,10,000 हाँ वो में से वो ले गए हाँ वो पूरा कोई बेर धाव नहीं धाव धाते जे आज चलो बिहने हो यहीं का कहता कहता ना आई थी कोई नहीं कौन गांव का प्रधान है बाड़वाटोला ये एक अलग किस्म का खेल है ग्राम प्रधान लोगों के खाते में से पैसा निकाल लेता है आवास का कुल 1,20,000 रुपया मिलता है उसमें से निकालने के बाद पैसा निकालने का अधिकार इन्हें है लेकिन वह निकाल कर और छीन लेता है इन्होंने बताया कि इनके हाथ से छीन लिया और कहता है कि ये पैसा तुम्हारे बाप का नहीं है मानो ये पैसा उसके बाप का है सवाल ये है कि गरीब ये जाएँ तो जाएँ कहाँ आखिर ये डीएम ये एसडीएम ये विधायक ये मंत्री ये सांसद आते किस काम है अगर इन गरीबों के काम नहीं आते हैं तो आखिर संसद और विधानसभाओं में इनके बैठने से फायदा क्या है लोकतंत्र है किस लिए यह सवाल बहुत जरूरी है और यह सवाल आप सबसे है कि इन गरीबों तक की ताकत आप ही बन सकते हैं क्योंकि यह सवाल ये महिला कहाँ जाएगी इसका पति बोल नहीं पा रहा ढंग से हो सकता है ग्राम प्रधान डपट दे कल को इसको गालियां दे दे तो ऐसे में सरकार की हर योजना फेल हो जाती है और हम बार बार कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ चाहे गांव गांव जाए चाहे चौराहे चौराहे जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक अधिकारी ढंग से काम नहीं करेंगे ये सरकार की शौचालय योजना है प्रधानमंत्री ने बड़े गर्व से कहा था घर घर शौचालय होगा यह उसका दृश्य है एक भी गांव का जो गांव है मुसहर टोली जो है इस गांव का एक शौचालय शुद्ध काम करता हुआ नहीं दिखाई देता क्योंकि गड्ढे ही नहीं हैं और जो कुछ भी शौचालय हैं उसमें लोगों ने अपने भूसा भरी और चीज़ें रखी हुई हैं ग्रामीणों से जानते हैं कि कितने शौचालय काम करते हैं क्या नाम है आपका रमावती तो रमावती जी ये बताइए कि आपके गाँव में जो शौचालय बने हैं उनमें से कितने काम करते उ बहुत काम करत हुई तो 10 गोले 5 गोले ना तो सब भाँस उस गए तो में लोग भूसा रखेला लकड़ी लगे पाइपो नहीं खेत का कर प्रधानमंत्री जी के शौचालय योजना हाँ माने बनल कुल कितना बा 1500 आबादी बा तरे गाँव अरे 1500 आबादी बा तो 50 गोले बनल बा तो में कहत नहीं कि 10 गोले 5 गोले काम करेला 10-5 गो काम बाकी सब बाकी सब भँस गए ये इस गांव का PHC सेंटर है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां डॉक्टर साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे तो सामने एक नीचे कुर्सी दिखाई दे रही है बाकी कोई स्टाफ नहीं है यहां ये लोग वैक्सीनेशन के लिए आए कब से आए हैं आप हुआ 15 मिनट हो गया हमको कैसे पता चला कि यहां वैक्सीनेशन होता है सरकार के प्रचार से जी तो यहां डॉक्टर साहब हैं नहीं आइए जरा हमारे साथ चलिए खोजिए मिल के हम खोजते हैं दोनों लोग डॉक्टर साहब को आइए
आपको चूंकि वैक्सीन लगवाना है, कोरोना से बचना है। देखिए ये रहा आपका रूम, आइए इसमें डॉक्टर साहब से मिलते हैं। ये वैक्सीनेशन सेंटर है, दिन के 10 बज चुके हैं, दिन है आज मंगलवार, यानी हम प्रॉपर टाइम पर हैं साहब, मंगलवार ही है ना? जी जी, 10 बजे का ना जी। कोई झूठ नहीं है, योगी जी के खिलाफ कोई प्रचार नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत जानना चाहिए। आइए, ये रहा अस्पताल का दूसरा हिस्सा। हम इस खोज में हैं कि डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय कुछ भी मिल जाए हमें, यहाँ भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हम अगले कमरे में चलते हैं, और ये है, ये पेशेंट यहाँ लेटता है और पेशेंट के तीमारदाद इस कुर्सी पर बैठते हैं। ये कुर्सी देख लीजिए, ये खिड़की दरवाजे देख लीजिए, सीलन भी देख लीजिए, पंखा भी आप देख सकते हैं, और ये जो प्रॉपर पानी है वो आप देख सकते हैं कि ऐसे अगर समय में। और ये रही फर्श की हालत, ये उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिले का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, मुसहर टोली के पास का। ये गांव कौन सा है बच्चे? कोयलासो बुजुर्ग बारह टोला गांव है। आइए हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और भी जगहों पर लिए चलते हैं। ये कमरा बंद है और डॉक्टर साहब की कुर्सी, आइए देखते हैं डॉक्टर साहब कहाँ बैठे हैं, उनको भी खोज लेते हैं हम लोग। जैसा कि हमने कहा, आज दिन मंगलवार है, दिन के 10 से ऊपर बज चुके हैं, पंखा चल रहा है, लाइट भी जल रही है, लेकिन डॉक्टर साहब उपस्थित नहीं। अब डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं, क्या हुआ है, ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त उपस्थित नहीं हैं। और आगे जो है, अब आइए यहाँ देखते हैं कि ये क्या जगह है। ये बहुत बड़ा अस्पताल है जिसमें लगभग 8 बेड का की व्यवस्था है। देखिए, एक दूसरा फार्मासिस्ट साहब के लिए यहाँ है, दवाएँ हैं, ये रूम बंद है, किसी काम आता होगा। लेकिन अब तक मरीज, मतलब लोग नहीं आए हैं, वैक्सीन लगवाने लोग आ चुके हैं, लेकिन कोई यहाँ आया नहीं है। और ये शायद इंतज़ार के लिए बना हुआ है हॉल, इसको आप नॉर्मल वार्ड समझ सकते हैं, जनरल वार्ड है ये अस्पताल का। 1.5 घंटे लेट तो आजकल ट्रेन भी नहीं चल रही है, और कोरोना का वक्त है। ठीक है सर, वक्त हो रही है, कोरोना का है, लेकिन मौसम की वजह से देख रहे हैं सब चढ़ाए हुए हैं। देखिए तो हम भी इतने मोटे ताजे आदमी आ गए हैं, आप कैसे नहीं आ सकते? नहीं, झामा कापा पहने हुए हैं। हाँ, तो उसी धीरे धीरे गाड़ी से उम्र के हिसाब से भी तो चलना पड़ता है। चलिए, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अभी जान सकते सर मालूम, डॉक्टर साहब की जानकारी नहीं है। नाम क्या है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब का रविशंकर सिंह। रविशंकर सिंह जी। अच्छा, तो कितने साल से यहाँ पोस्टेड हैं? कौन डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब 2 साल करीब हो गए। 2 साल से पोस्टेड है। सीएमओ तो यहाँ होता नहीं है, पीएससी है ना ये? तो अन्य पीएससी है, न्यू पीएससी। और पीछे एक होम्योपैथिक सेंटर है, वहाँ भी कोई डॉक्टर आता है कभी? हाँ, वहाँ आते हैं। अच्छा, वहाँ। यहाँ रविशंकर किस चीज़ के डॉक्टर हैं? MBBS है, MD है, क्या है? चर्मरोग है, चर्मरोग के डॉक्टर। डिग्री MBBS है, MD है, BHMS है, MBBS है। 2 साल से यहाँ पोस्टेड है। कितने बजे औसत आ जाते हैं? वो 9:30 बजे तक किसी हालत में आ जाते हैं। आज नहीं आ पाए। कितने बजे आते हैं डॉक्टर साहब? बच्चे आते हैं लोग 10 बजे, तो आज नहीं आ पाए। आज कहाँ है, देखने रहे हैं। क्यों नहीं आए हैं आज? क्या मालूम हमको, क्या मालूम। वैक्सीन लग गया तुम्हें? हाँ, हमको लग गया है। लग गया। कैसे पता चला आपको कि यहाँ वैक्सीन लग रहा है? कल हमारे गाँव के 2 आदमी इधर आए थे, वो लगवा के गए, वो जानकारी हमको दी है। तो यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या ऐसे आने से लग जाता है? नहीं, यहीं पे डॉक्टर लोग अपना रजिस्ट्रेशन वो लोग खुद करके आदमी को दे रहा है। आप इसी इलाके के हैं? हाँ, इसी इलाके। यहाँ तो अस्पताल में कोई कुछ है नहीं? वो तो कर्मचारी जानते हैं, हम लोग तो प्राइवेट आदमी है, हमेशा तो इधर आते नहीं है। जानकारी रहे, ये टीका लग रहा है इस कारण से के लिए इंतजार करते। कितना समय हो गया यहाँ? अभी 10-15 मिनट हुए। 10-15 मिनट जी। तो ये बताइए कि ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? जानकारी मुझे इंटरनेट से मिली है। तो वैक्सीन जैसे यहाँ लगवाने आए हैं, आपने देखा कि यहाँ वैक्सीन लगवाने की सुविधा है, उसका टेम्परेचर, उसकी बाकी चीज़ें? या तो बिल्कुल कोई है ही नहीं ये सब करने के लिए। डॉक्टर साहब की कुर्सी है जी, कई बार कुर्सी से भी काम चल जाता है नहीं? नहीं, यूपी का तो पता नहीं है। हम तो दिल्ली में रहते हैं। कल मेरा टिकट था जाने के लिए, मैंने कैंसिल किया कि वैक्सीन लग जाए मुझे, वहाँ दिक्कत ना हो। ठीक है जी। क्या करते हैं दिल्ली में आप? मैं दिल्ली में MA हिस्ट्री कर रहा हूँ अभी। कहाँ से? JNU से। अच्छा, क्या नाम है? केसरी। बोल। नहीं नहीं, ठीक बात बोलत है। ये बतावा कि गैस नहीं के तरी घरे?
हमारे गैस बाट है मान भरावत नहीं है पैसा कम ले थी पैसा नहीं के तो नहीं के भरा तो गैसवा चूल्हा कहाँ बा चूल्हा बाट है अच्छा चूल्हा कहाँ रख ले बड़ू उनका घर बिया रहा लन तो दे लगाने अच्छा दूसरे घर दे दे ले हाँ है दे दिनिया के तो सिलेंडर वाले लेकिन पैसा नहीं के तो नहीं के भरा हाँ मैंने भरा जाइयो भादो में अच्छा अब बढ़िया आ जाए तो कैसे रह वही में खाए भी बनाए भी का कर भरा अब बोटल बढ़िया हम कहाँ जाएंगे अब उससे जो है घर बताओ देखते ढोते घर ढोत नहीं खाई सब ढोहे न गोल बानी ये है गरीबों का आवास जो कि सरकारों ने दिया है। यह मुसहर टोली है कुशीनगर उत्तर प्रदेश। आप जरा देखिए कि बरसात में जिंदगी कैसी है। लोग कह रहे हैं कि ये गांव अगले कुछ दिनों में अगर इसी रफ्तार में बारिश होती रही तो डूब जाएगा। लगभग जांग भर पानी भर जाता है। जांग भर पानी भरने के बाद इन गाँव के घरों की क्या हालत होगी आप कल्पना कर सकते हैं। ये देखिए ये है प्रधानमंत्री का चूल्हा योजना। उनको एक ऐसा चूल्हा योजना भी बनाना चाहिए क्योंकि इन घरों में कहीं गैस का सिलेंडर दिखाई नहीं दे रहा है। योजनाएं आती हैं और चली जाती हैं लेकिन स्थिति क्या है आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये घर है ये गिर गया। मुसहरों को लेकर तमाम योजनाएं सरकार दावे करती है मंत्री दावे करते हैं लेकिन स्थितियां बदल नहीं रही हैं। अभी हम जिस गांव में थे आपने देखा कि क्या हालत है क्या वजह क्या है। मुसहर जाति एक बेसलेस है। उसके पास कोई ज़मीन नहीं है कोई आधार उसके पास नहीं है। सारे दल या पार्टी की बात कहा जाए सरकार की बात मुख्य रूप से कहा जाए और पूरे सरकारी तंत्र की बात कहा जाए तो उनको इस्तेमाल करते हैं वोट के रूप में भी ले लेते हैं। और कुशीनगर ज़िले में तो बहुत सारे मुसहर बिरादरी हैं उनकी दशा ठीक नहीं हो पाई है। उत्तर देवरिया में भी है चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में जो मुसहर बिरादरी इस तरह की जातियां भी अन्य भी हैं जो बहुत गरीब लोग हैं और लड़ाइयाँ भी लोग बहुत लेकिन वो उनकी नहीं सुधरती है। सरकारी तंत्र जो है उनको उपेक्षा के भाव से देखता है और सरकारी योजनाएँ जो आती हैं वो 99% से ऊपर एक तरह से कहा जाए जीरो है वहाँ तक पहुँचने नहीं पाता है और उनकी आवाज़ जो है बहुत कमज़ोर है। उनका कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है और इसलिए उनकी आवाज़ भी नहीं जाती है और बहुत सारे उनके ऊपर जो है दबाव पड़े रहते हैं जो उन्हें जो वो दबाव के कारण वो अपनी आवाज़ भी कहीं नहीं उठा पाते हैं और तमाम तरह से उनकी उपेक्षाएँ जो होती हैं कि वो लोग वहाँ पहुँचते भी नहीं हैं ये जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं कि हमारी एक जिम्मेदारी सामाजिक जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं। या जो कहा जाए कि आपने देखा होगा कि पूरे जो सामाजिक स्तर पर लड़ाइयाँ हुई देश में आज़ादी के बाद और जो सामाजिक न्याय की बड़ी लड़ाई हुई जातियों के उत्थान की बात हुई सब हर जातियों की लीडरशिप की बात हुई उस स्थिति में मुसहर बिरादरी की कोई आवाज़ नहीं रही। उस सामाजिक न्याय की लड़ाई में भी इतना उनको पीछे छोड़ दिया गया कि आज तक उनकी स्थिति कोई सुधरी नहीं है और उनकी जो आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी उसमें बहुत सारे जो गरीब वर्ग के लोग थे वो पीछे छूट गए और निश्चित रूप से कंपटीशन में एक मैंने जो ताकत की लड़ाई थी वो गरीबों की लड़ाई और आर्थिक लड़ाई छोड़ करके सामाजिक न्याय ने एक ताकत की लड़ाई बना दिया जिसमें जो ताकतवर लोग थे उन्हीं के हित में लड़ाई गई और बाकी गरीब लोग मुसहर जाति जैसे और भी जातियाँ हैं जो गौड़ जातियाँ हैं बहुत गरीब हैं उनको देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में कि सरकार ने 18 जातियों को कि वो दलित में रहेंगे माने SC में रहेंगे कि बैकवर्ड में रहेंगे। अपने मुलायम सिंह और मायावती के बीच की लड़ाई को आपने देखा कि 18 जातियों कैसे उधर ढकेला गया इधर ढकेला गया उनके पास कोई ज़मीन नहीं है और अक्सर इस जिनके पास ज़मीन बिल्कुल ही नहीं है घर बनाने की ज़मीन नहीं है वो जो है उनको दबाव बना करके अगर जो उन्होंने थोड़ा अतिक्रमण कर लिया है तो उसका शोषण होता है उसका श्रम का शोषण इतना ज़्यादा होता है उनका कि वो दबे कुचले लोग जो है वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। जो इनका लीडरशिप भी कहीं नहीं है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई इनके लिए वो दूर की कौड़ी है माने साबित हुई उनको कुछ मिला नहीं उस सामाजिक न्याय की लड़ाई में। इसलिए आर्थिक लड़ाई ज़रूरी थी जिस लड़ाई को छोड़ दिया सामाजिक न्याय की लड़ाई ने और इसलिए आप देखेंगे कि आज भी इतनी गरीबी है बहुसंख्यक गरीबी है चाहे अति पिछड़ा हो महादलित हो दलित हो कुछ भी श्रेणियाँ बना दीजिए लेकिन उनकी स्थिति इस सामाजिक लड़ाई से नहीं सुधर सकी। इसलिए ज़रूरत है कि उनको आर्थिक मजबूती देने के लिए आर्थिक लड़ाई की ज़रूरत है। मैन टू मैन जब तक आर्थिक लड़ाई नहीं होगी उनके हित में नहीं होगी तब तक ये नहीं मामला नहीं बनने वाला है। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया
न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।